जलंधर के बी एस एफ चौंक के अज सवेरे दर्दनाक हादसे के पंजाब रोडवेज के अडिशनल डायरैक्टर परनीत सिंह मिनहास के बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। लद्देवाली का रहने वाला अजीत फारचूनर कार तो ट्यूशन पढ़न जा रहा है। हादसे में मिट्टी के नाल भरया हुआ टिप्पर कार के उत्ते डिग पिया। बहराम के लागे कार दरख्त में वजन करके दो नौजवानों की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप के जख्मी होया है, जिसनों स्थानक हस्पताल के दाखिल करवाया गया है। ये लोग चंडीगढ़ तो अमृतसर जा रहे सन। चोण कमिशन वालों 255 गैर मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड सियासी पार्टियां अपनी सूची विचों खारिज कर दिया गया है। यह सूची में पंजाब दी 6 पार्टियां शामिल ने। सूची विचों हटाई गई पंजाब नाल संबंधित पार्टियां च डेमोक्रेटिक बहुजन समाज मोर्चा, लेबर विकास पार्टी, लोक हित पार्टी, पंजाब जनता मोर्चा, पंजाब प्रदेश विकास पार्टी ते सर्ब हिंद श्रोमणी अकाली दल शामिल ने। गुरुद्वारा सिख सोसायटी कैलगरी साउथ वैसट विखे रात समय अणपछाते शरारती अंसर वालों गुरुद्वारा साहब के बाहर लगे हुए बोर्ड उत्ते रंग फेर के गुरुद्वारा साहब का नाम मिटाने की कोशिश करदिया 6 थावां उत्ते रंग नाल स्वास्तिक चिन्ह बनाए गए, जिन्हां बारे कैलगरी की पुलिस पड़ताल कर रही है। उधर मामले नूं लैके धार्मिक जथेबंदियां ते सिख संगतां विच रोस पाया जा रहा है। दिल्ली की एक अदालत ने 2013 दीआं विधानसभा चोणां विच कथित तौर उत्ते एक हलफनामे विच झूठी जानकारी देण दे मामले विच दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नूं जमानत दे दित्ती है। रेल राज मंत्री मनोज सिन्हा की कार गोरखपुर राजघाट पुल के कोल दुर्घटना की शिकार हो गई। इस हादसे में राज मंत्री का खब्बा हाथ काफी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। फिलहाल उन्होंने गोरखपुर के अपोलो हस्पताल दे विच लिजाया गया है। पिपली जीटी रोड तो पिंड प्रतापगढ़ वाल जाने वाली सड़क उत्ते नाकेबंदी दौरान पुलिस ने चिट्टे रंग की सनी कार के 8,50,000 रुपए की नकदी बरामद की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुरुक्षेत्र में वड्डी मात्रा में नकदी आने वाली है। इनकम टैक्स विभाग इस मामले की जांच कर रहा है। नोएडा में SEZ की श्री लाल महल लिमिटेड कंपनी ने नोटबंदी तो बाद 140 करोड़ रुपए के काले धन 430 किलो सोने में तब्दील करवा लिया। गहने के लिए मंगवाए गए सोने को कंपनी ने गैर कानूनी तरीके भारतीय बाजार में बेच दिता। मामले का पर्दाफाश डायरेक्टोरेट आफ रेवन्यू इंटैलीजेंस नोएडा की एक छापेमारी तो बाद होया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के सूरजगढ़ 500 तो वध माओवादियों ते उन्हां दे समर्थकों ने 76 ट्रकों नूं अग लगा के सुआह कर दिता। इस दे नाल ही खुदाई करन वालियां 3 मशीनों ते 1 दुपहिया वाहन नूं अग दे हवाले कर दिता। माओवादी इस इलाके विच माइनिंग दा विरोध कर रहे सन। उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार विच मंत्री रविदास मेहरोत्रा नूं अडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अदालत ने भगौड़ा ऐलान दिता है।